नमस्कार। सर्वेशामेव दानानां ब्रह्मदानं प्रसिद्यते, यानी दान कौन सा दान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसा मनुस्मृति में आया है कि सर्वेशामेव दानानां ब्रह्मदानं प्रसिद्यते, यानी सभी दानों में वेदों का दान सबसे उचित बताया गया है, यानी सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। यानी वेद मतलब आज के समय में ऐसा कह सकते हैं कि शिक्षा का दान जो, लेकिन दान उसको दान स्वरूप, ऐसा नहीं कि पैसे लेकर पढ़ाना उसको भी दान बोलेंगे, जो अपनी इच्छा से अपनी श्रद्धा से, क्योंकि दान में श्रद्धा का ही महत्व ज्यादा होता है, तो वह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगली लाइन बताइए, वह अन्न गो मही वस्त्र सर्पषाम, यानी जल अन्न तेल घी भूमि इन दानों से भी बढ़कर है ब्रह्मदान, यानी वेदों का दान, यानी शिक्षा का दान। तो अगर आप पढ़े लिखे हैं, कई बार ठीक है आपकी जीविका चलाने के लिए आप पढ़ाने का कार्य करते हैं, लेकिन कई बार अगर किसी की परिस्थिति नहीं है पैसे देने की, तब भी अगर हम उसको शिक्षा देते हैं तो यह कहलाता है वेदों का दान। और उन्होंने आगे लिखा है, यह नियम तो भागे ने सब दानम प्रयक्षति तत्व में भागे ने प्राप्तों की प्रतिपूजिता, मतलब हम जिस भाव से दान को देते हैं उसी भाव से हमको उसका फल भी मिलता है। यानी हम शिक्षा देते हैं तो हमारा भी ज्ञान साथ साथ बढ़ता है और हमें जो है परलोक में एक अच्छा फल मिलता है, ऐसा मनुस्मृति में बताया गया है। तो अगर हम शिक्षित हैं, हम पढ़े लिखे हैं, तो कभी भी शिक्षा देने से लोगों को संकोच ना करें, जैसा भी हम दान देंगे वैसा ही हमको फल प्राप्त होगा। और सभी दानों में श्रेष्ठ है शिक्षा बुद्धि, और उसमें अपना कुछ खर्च भी नहीं होता, दान देने से वो सदा बढ़ती ही है, ऐसा अन्य ग्रंथों में कई कई माध्यमों से बताया भी गया है अलग अलग तरीकों से। तो दान देना सर्वश्रेष्ठ कर्म भी बताया गया है, तो ब्रह्म दान यानी शिक्षा का दान हमेशा करना चाहिए, ऐसा मनु स्मृति में बताते हैं, जो कि हमारे एक जीवन शैली का अंग भी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।